दुनिया में ऐसे कई दिव्यांग हैं जिन्होंने अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाया है। इन्होंने कभी हौसला नहीं खोया और सफलता के मुकाम पर पहुंचकर औरों के लिए आदर्श प्रस्तुत किया है। दिव्यांगता को कभी जीवन में बाधा नहीं बनने दिया और संघर्ष कर अपनी तकदीर को बदला है। हौसले बुलंद हों तो राह बन जाती है। अल्मोड़ा के मनियागर में रहने वाली नेहा आगरी, जो बचपन से ही देख नहीं सकती पर अपने सुरों से लोगों के दिलों तक पहुंच रही है। नेहा को बचपन से ही गीतों का शौक था और देख न पाने की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अक्सर गीतों के शब्द समझने के लिए बड़े बड़े सिंगर को पढ़ना जरूर पड़ता है, खास तौर पर जब लोक गीत हों। ऐसे में नेहा के मन में एक ही सवाल उठता था कि वो अपना सपना कैसा पूरा करेंगी। मगर नेहा के कदम जरा भी नहीं लड़खड़ाए और मेहनत करती गईं। फिर वो दिन आया जब नेहा को मंच देकर स्कूल की टीचर ने हौसला बढ़ाया और नेहा ने कई मंचों से अपने गीतों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। इसकी मदद करती हूँ, इसको बहुत शौक है पहले से ही, बचपन से ही। जब ये क्या कहते हैं, छोटी सी थी तो ये गाने, हल्के फुल्के गाने, कविताएं खूब कहती थी। इसी तरीके से एक मैडम, इसकी ने मंजू पांडे मैडम ने इसको सपोर्ट किया, पहली बार मंच दिलाया। तब से आज तक नेहा बहुत खुश है गानों को लेकर, और उसका यही सपना है कि आगे चलकर मैं मम्मी एक बहुत बड़ी सिंगर बनूं, अपने उत्तराखंड का नाम रोशन करूं, अपने कुमाऊं का नाम रोशन करूं, आप लोगों का नाम रोशन करूं। उसको बहुत शौक है, मैं यही चाहती हूं सर, बस आप सभी लोग सपोर्ट करें मेरी बेटी को, आगे से आगे तक पहुँचें ताकि उसको उसका मंच मिल पाए, वो एक अच्छी सिंगर बन जाए। बस सर, मेरी यही आपसे मनोकामना है, यही विनती है, बस हो गया सर। कोरोना के चलते पिछले 2 सालों से नेहा घर पर ही गीतों को सीख रही हैं, जिसमें वो कुमाऊनी, गढ़वाली और भजनों को सीख रही हैं। नेहा की माँ और भाई मदद कर रहे हैं। भाई ने नेहा के लिए हुड़का बनाया है। नेहा गाना गाती हैं तो सचिन हुड़का बजाकर नेहा का साथ देते हैं। नेहा ने बताया कि उनकी मदद के लिए तो काफी लोग आए हैं, पर ऐसा कुछ हो सके जिससे वो अल्मोड़ा और उत्तराखंड का नाम रोशन कर सकें। नेहा उत्तराखंड की लोक परंपरा की गायन प्रतिभा को बढ़ाना चाहती हैं। सर, मुझे बचपन से शौक थी, और जब मैं 4 में पढ़ती थी तो मेरी मंजू मैम ने मुझे संगीत सिखाया, और कभी कभी मेरी मम्मी भी सिखाती है। जब मेरी मम्मी रोटी बनाती थी तो मेरी मम्मी मुझे संगीत भी सिखाती है। सर, मैं फ़ोन से सीखती हूँ मैं, ताकि पुराने गानों को जो भूल गए उनकी मैं नई लाइव बनाना चाह रही हूँ, ताकि लोग फिर से देखें, फिर से सुनिए गाने को। उत्तराखंड को शुरू से ही तप करने के लिए सबसे खास स्थान माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पांडवों से लेकर कई महान राजाओं ने तप करने के लिए इस भूमि को ही चुना था। देवभूमि अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। ऐसे में नेहा की आवाज लोक परंपरा के लिए देश में जानी जाएगी तो देवभूमि को एक नई पहचान मिलेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए अल्मोड़ा से निर्मल उप्रीति की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।